पहले सीधा लखनऊ चलते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभा को संबोधित कर रहे हैं। मंच पर मेरे साथ उपस्थित मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से अमित मोहन प्रसाद जी, विभाग के सभी अधिकारीगण और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के सभी कार्मिकगण और उपस्थित भाइयों बहनों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना शुभारंभ के अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आज का दिन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो ये वर्षों से मांग की गई थी कि राज्य कर्मचारियों को चाहे वह पेंशन से उनकी जुड़ी हुई समस्या रहती थी या फिर स्वास्थ्य संबंधी किसी कार्यक्रम में, खासतौर पर जो सेवारत कर्मचारी थे या जो पेंशनर्स थे, उनकी समस्याएं होती थी कि वह स्वास्थ्य के बाद उपचार करने के लिए जाते थे तो उस समय पैसे के अभाव में बहुत बार ऐसी समस्याएं उनके सामने खड़ी होती थी। हॉस्पिटल उनसे पैसा मांगता था, उनके पास कार्ड नहीं था और बहुत बार बहुत सारी समस्याओं का सामना होता था। राज्य सरकार ने इस पर बहुत विचार किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा थी कि जैसे हम लोगों ने SECC डाटा के तहत पहली बार ये व्यवस्था की, देश के अंदर आयुष्मान भारत योजना लागू की, प्रदेश ने अंत्योदय परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा का कवर प्रतिवर्ष दिया और उसके अंतर्गत न केवल सरकारी हॉस्पिटल्स में बल्कि इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में भी उन्हें फ्री में उपचार की सुविधा और 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष तक की सुविधा उपलब्ध कराने की कार्रवाई की। इस योजना से राज्य कर्मचारियों को भी इस योजना के दायरे में लाना चाहिए जिससे उसे भटकना न पड़े और ऐन वक्त पर फिर पैसे के अभाव में कहीं ऐसा न हो कि उसके सामने जो समस्याएं आती हैं वह न आए। और इस दृष्टि से इस योजना को हम लोगों ने पिछले कार्यकाल के अंतिम उसमें ही इसके लिए विभाग से कहा गया था।